हेलो फ्रेंड, मैं आरके सिंह यूट्यूब चैनल से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इन्वायरमेंटल के का आपदा प्रबंधन चैप्टर को मैं लेके चल रहा हूं और हम लोग अपने कोर्स के काफ़ी नज़दीक हैं। ये मेरा पांचवा लेक्चर है और इसमें हमने पिछले लेक्चर में हमने भूकंप की परिभाषा देखी थी कि बिना किसी सूचना के हमारे पृथ्वी के अंदर एकाएक जो कंपन पैदा होता है वो भूकंप कहलाता है। और हाँ, एक चीज़ और हमको आपको बताना था पिछले लेक्चर में कि भूकंप को हम रिक्टर स्केल पर मापते हैं। तो आज हम देखेंगे इस लेक्चर के अंतर्गत कि विश्व के प्रमुख भूकंप कहाँ कहाँ आए। वैसे तो विश्व के इतिहास में जाने कितने शहरों में कितनी बार भूकंप आए होंगे, लेकिन इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वांटो शहर है जो जापान का क्वांटो शहर है, जिसमें कि 1 सितंबर 1923 को भूकंप आया था। इसका रिक्टर स्केल पर मानक 8.3 था। इस भीषण भूकंप में टोक्यो एवं योकोहामा शहर पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। भूकंप एवं आग लगने से लगभग 1,40,000 लोग मारे गए थे। दूसरा शहर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेटा। आज के डेट में ये जबकि भारत में है। यहाँ पे 31 मई 1935 को भूकंप आया था। आज इस समय यह क्वेटा पश्चिमी पाकिस्तान में पड़ता है। इस भूकंप में लगभग 60,000 लोग मारे गए थे और इसका जो पैमाना था 7.5 था। उसके बाद तीसरे भूकंप की बात हम डिस्कस कर रहे हैं, निगाटा। ये भी जापान में पड़ता है। 1964 में यहाँ पे भूकंप आया था। रिक्टर स्केल पर इसका मान 7.5 था। इस भूकंप में विनाश का मुख्य कारण था मृदा का द्रवीकरण। बड़ी बड़ी इमारतें जमीन में धस गई थी। इसके बाद अगले भूकंप का डिस्कशन हम कर रहे हैं, जिसका नाम है अलास्का का भूकंप। यहाँ पे 27 मार्च 1964 को यहाँ पे भूकंप आया था। रिक्टर स्केल पर इसका परिमाण 7.4 था। इससे भवनों पर बहुत क्षति हुई थी। और इसके बाद पेरू के भूकंप के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे 13 मई 1970 को भूकंप आया था। रिक्टर स्केल पर इसका परिमाण 7.7 था। इसमें भी करीब 60,000 लोग मारे गए थे। इसके बाद अगला भूकंप फिलीपींस में आया था, जो 17 अगस्त 1976 को आया था। इसका परिमाण रिक्टर स्केल पर 7 था। यहाँ पे भी काफ़ी क्षति हुई थी। इसका मुख्य कारण भवनों का उचित प्रकार से अधिकतम अभिकलन न करना था। उत्तरकाशी में भी एक भूकंप आया था, जो 20 अक्टूबर 1991 में आया था। रिक्टर स्केल पर इसका मान 6.6 था, जो उस दिन 2:53 पे आया था। और इसका मुख्य केंद्र अगोरा गांव में था। इसकी फोकस दूरी 12 किमी मापी गई थी। लातूर में भी एक भूकंप आया था 30 सितंबर 1993 को। इसका रिक्टर स्केल पे मान 6.4 था। इसका उद्गम के किलोरी के पास था। आज के डेट में ये बिहार के अंतर्गत आता है। इसमें लगभग 28,700 लोग मारे गए थे। इसके बाद एक भूकंप आया था भुज में, जो 26 जनवरी 2001 को आया था। चूँकि 26 जनवरी 2001 को आया था, उस दिन हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था। और उस समय आया था जब 8.5
8:46 हुए थे और उस समय रिक्टर स्केल पर इसका मान 6.9 था। ये भुज का भूकंप काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे पेपर में अक्सर पूछा जाता है। फिर मुजफ्फराबाद भूकंप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। मुजफ्फराबाद भूकंप 8 अक्टूबर 2005 को आया था, रिक्टर स्केल पर इसका मान 7.4 था। यह प्रातः 9:20 पर आया था, उस दिन शनिवार था। इसका उद्गम केंद्र इस्लामाबाद से 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की जंगली पहाड़ियों के मध्य मुजफ्फराबाद में स्थित था। उसके बाद सिक्किम में भी भूकंप आया था 14 फरवरी 2006 को, इसका रिक्टर स्केल पर मान 5.3 था। यहाँ पे सुबह के 6:25 पे इसका उद्भव हुआ था। न्यूजीलैंड भूकंप भी आया था जो कि 22 फरवरी 2011 में आया था। न्यूजीलैंड के दक्षिण शहर क्राइस्ट चर्च में आए भूकंप से लगभग 300 लोगों की मौत हुई थी। तो इसी तरह से अन्य भी भूकंप विश्व में आए थे, तो जो मेन भूकंप थे उनके बारे में हमने आपको बताया। पहला बताया आपको क्वांटो, दूसरा बताया क्वेटा के बारे में, तीसरा बताया आपको निगाटा के बारे में, चौथा अलास्का भूकंप के बारे में हमने डिस्कस किया, पांचवा पेरू भूकंप के बारे में डिस्कस किया, छठवां फिलीपींस भूकंप के बारे में डिस्कस किया, सातवां उत्तरकाशी भूकंप के बारे में हमने डिस्कस किया, आठवां हमने लाटूर भूकंप के बारे में डिस्कस किया, नौवां हमने भुज भूकंप के बारे में किया, इस पर टिप्पणी आती है, इस पर ज़रा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मुजफ्फराबाद भूकंप के बारे में, सिक्किम और न्यूजीलैंड के बारे में भी हमने डिस्कस किया, तो ये सारे हैं, इस पर तो टिप्पणी ही आती है 2 नंबर का। तो इस तरह से विश्व के जो प्रमुख भूकंप थे इस लेक्चर में हमने उनके बारे में डिस्कस किया। इनको आप थोड़ा देख लीजिएगा, इनके डेट को देखिएगा, और इसमें नुकसान तो हर जगह हुआ है, 2-3 हर जगह के भूकंप में सिर्फ 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। एक तो डेट याद रखनी है, दूसरा कितने बजे आया था और किस जगह पर आया था और लगभग कितनी हानि पहुँची थी, यही 3 पॉइंट आप याद रखेंगे, इससे आप जो है और हेडिंग आप याद रखेंगे और आपका काम हो जाएगा। इस तरह से मैं इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मेरा अगला और अंतिम लेक्चर होगा एनवायरमेंटल पोल्यूशन का सुनामी, उसको हम कल देखेंगे, और तब तक के लिए आज के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।